48 अनाज बैंक के हमारे यहाँ। सन 2017 का अनाज बैंक बना हुआ था और इसमें 4.5 कुंटल गेहूं पहली बार मतलब रखे गए थे। पहले जब यहाँ गांव में हमारे अनाज बैंक नहीं थे तो हम लोगों को करीब करीब यहाँ से 6 किलोमीटर मतलब पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था। हमारे पास मतलब खेती कम है और हम इनसे उधार ले लेती हैं, अपन जो हमारे खेत में कटत तो वहाँ पर दे देती हैं। भारत की महिलाओं का काम किसी बही खाते में दर्ज नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी उम्मीद के निरंतर कुछ करती रहती हैं, कुछ अलग हट के करती हैं। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ये कानपुर जिला है, कानपुर जिले का सूरजपुर ब्लॉक है, जहाँ पर लगभग 50 अनाज बैंकें संचालित हो रही हैं। इन अनाज बैंकों को यहाँ की ग्रामीण महिलाएँ संचालित कर रही हैं जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। समय नवंबर दिसंबर में गेहूं की बहुत बड़ी कमी हो जाती है, तो हमारे यहाँ एक बगल के गांव में यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे बीरा मऊ में एक सहकारी मतलब वो थी समिति, वहाँ से जो है हमको गेहूं लेने जाना, किसानों को लेने जाना पड़ता था। तो वहाँ से लाते थे और देने जाते थे तो मतलब दो दो तीन तीन दिन की दिक्कत होती थी, और वहाँ से लाने भाड़ा देते थे और जब जाते थे तब भी भाड़ा देते थे। अब हमारे गांव में इस समय 5 अनाज बैंक हो चुकी हूँ, तो हमारे यहाँ जो छोटे छोटे किसान हैं उनको कोई बात की अब दिक्कत नहीं होती, चाहे जितने टाइम गेहूँ अगर घट जाता है तो अपने आके ले लेते हैं। अनाज बैंक संचालिका एक ही है, इसके बाद जैसे वितरण जब किया जाता है तो हर महिला से, हर सदस्य से पूछा जाता है कि ये भाई फलानी के पास गेहूँ नहीं है, खरीबे का मांग रही हैं, इनका दिया जाए कि ना, तो बोले हैं कि हाँ चलो दे दो, ये जल्दी टाइम पर वापसी कर देती हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती है, तो नहीं दिन जाते। इसकी तो गिनती जैसे हमारे समूह में जय गंगा मैया महिला स्वयं सहायता में जो जो लेते हैं उसका अलग मतलब रजिस्टर है, लिखा पड़ी उसकी अलग है, और जिस समूह से जो लेता है उस समूह का रजिस्टर अलग बनता है, तो जब उसकी जनगणना होती है तब पता चलता है कि किन किन को फायदा हुआ है। ये एक ऐसा अनूठा अनाज बैंक है जहाँ पर ये महिलाएं आपस में इकट्ठा करके अनाज एकत्र करती हैं जब फसल कट के आती है, और इसके बाद जब भी किसी के पास अनाज ख़त्म हो जाता है तो इससे उधार ले लेता है। ये अनाज बैंक पिछले कई 3-4 वर्षों से काम कर रहा है, लेकिन अगर हम बीते एक साल की बात करें, कोविड काल में जब सब जगह लॉकडाउन था, लोगों की नौकरियाँ छिन गई थी, इस गांव में जहां पर छोटी जोत के ज़्यादातर किसान रहते हैं, इनके पास 1-2 बीघा या कुछ बीघा ज़मीनें हैं जिसमें इतना पैदा नहीं होता है जिससे कि साल भर उगा कर खा सके, ऐसे में ये अनाज बैंक के मददगार साबित हो रही हैं। एक कुंटल का 1.25 कुंटल देना पड़ता है, तो हम अभी ले लेंगे और जब हमारे खेत में कटेंगे तो हम वापसी कर देंगे। हम लोग यहीं अपना अनाज बैंक से आपस में यहीं गांव का गांव में लेन देन कर देते हैं, और जब हमारी मतलब फसल तैयार होती है तब हम उस समय अपना वापस कर देते हैं। अगर हम 1 कुंटल लेते हैं तो 1 कुंटल 25 किलो वापस कर देते हैं, तो हमको यहाँ अपने यहाँ अनाज बैंक से बहुत मतलब लगा, अब हमको कोई परेशानी नहीं होती है।